हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलाई मशीन वाले में। आज हम जानने वाले हैं डायसन मशीन के बारे में। डायसन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन आज हमारे पास है और उसे चलाकर देखते हैं और ये मशीन की खासियत देखते हैं कि ये कपड़े पर कैसे चलती है। तो चलिए फटाफट इसका रिव्यू देखते हैं और इस मशीन को चलाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पिन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी जो पिन है वो जंबो साइज की है। इधर से हम अगर एक पावर बोर्ड लेते हैं तो देखिए, पावर बोर्ड में दो टाइप होते हैं, एक जंबो साइज होता है, एक नॉर्मल साइज होता है। तो ये जो लगेगी ये जंबो साइज में लगेगी, मतलब बड़े वाली जगह पे। तो हम इसे इस तरीके से लगा लेते हैं। दोस्तों अब हम इसका बटन करते हैं ऑन और यहाँ से इस मशीन को मिल गया है पावर। इसे साइड में रखते हैं और मशीन का लुक देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसका होता है बटन जिससे कि मशीन को मेन पावर आता है। तो इसे हम करते हैं ऑन। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, मीटर ऑन होने के बाद यहाँ पर एलईडी दी गई है। एलईडी में दो मोड दिए गए हैं, देखिए, एक ऑन और एक ऑफ। इस तरीके से दो मोड इसमें दिए गए हैं और कम ज़्यादा करने के लिए कोई भी मोड नहीं है। सिर्फ ये दो मोड पे चलती है, एक ऑन और एक ऑफ। और मशीन को हम चला कर देखते हैं कि कैसे चलती है। दोस्तों देखिए, मशीन इस तरीके से चलती है और मशीन की जो नॉइज है इस तरीके से आती है। और ये स्पीड पर भी ऑयल देखिए यहां पर फ्लो कर रही है। देखिए, सबसे मेन चीज होती है इसका ऑयल फ्लो होना। अगर ये स्पीड में, मतलब सही तरीके से ऑयल फ्लो कर रही है तो मशीन में पूरा ऑयल घूमेगा। और देखिए यहां पर जो ये दिया गया है नंबर कम ज्यादा करने का, इससे आप नंबर कम ज्यादा करेंगे और इसे पुश करके करना पड़ेगा और ये लॉक हो जाएगा। बार बार सिलाई बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार लॉक मतलब एक बार लॉक। और देखिए इसका जो मीटर है वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे पी लिखा है, एस लिखा है और दो यहाँ पे बटन दिए गए हैं जिससे कि स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिससे कि आप सुई को ऊपर नीचे रोक सकते हैं। ये जो बटन है इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। और देखिए ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ पर जो है ये टेंशन है, इसमें से हमारे जो बॉबिन वाइंडर है इसमें धागा भरा जाएगा इसकी मदद से। तो दोस्तों अब हम मशीन को चलाकर देखते हैं, फटाक से इसमें धागा भरते हैं और देखते हैं कि मशीन किस तरीके से चलती है। दोस्तों चलिए धागा भर लेते हैं और मशीन की सिलाई देखते हैं कि कैसी आती है। तो सबसे पहले हमें लगाना है धागा यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही हम धागा लगाएंगे फिर हमें निकालना है यहाँ से। यहाँ से धागा निकालने के बाद हम सीधे इस टेंशन पर आएंगे और इस टेंशन पर इस तरीके से धागा निकालेंगे और यहाँ से राउंड करते हुए इन दोनों प्लेटों के हम बॉबिन में इस तरीके से लगाएंगे और फिर यहाँ पे बॉबिन वाइंडर में लगा के हम धागा भर देंगे। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इसमें धागा भर दिया। धागा भरने के बाद हम इधर जो ये कटर दिया रहता है, इस कटर में इस तरीके से धागा डालकर इसे ऐसा कट कर देंगे। बहुत ही आसानी से वो धागा कट हो जाता है। और फिर हम इसे इस तरीके से केस में लगाएंगे। केस में लगाने के बाद हम यहाँ आते हैं, इसे हम इस तरीके से निकालते हैं और यहाँ पर बॉबिन को लगाते हैं। केस बॉबिन बराबर लगाने के बाद हमें इस तरीके से आवाज़ आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि केस बॉबिन सही लग गया। अब हम धागा डालना देखते हैं कि धागा किस तरीके से डाला जाता है। दोस्तों हम धागे को यहाँ से पहले ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से राउंड करके ऐसे निकालेंगे, फिर देखिए यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर यहाँ से राउंड करके इस तरीके से निकालेंगे, फिर इन दोनों प्लेट के बीच में से निकालने के बाद यहाँ से निकालेंगे और फिर हम टेंशन में से इस तरीके से डालेंगे, फिर स्प्रिंग में से ऐसे निकालेंगे। स्प्रिंग में निकालने के बाद हम यहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर हम टेकअप पे लेंगे, टेकअप पे यहाँ से ऐसे डालेंगे और फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे। इन दोनों जगहों से डालकर हम यहाँ पर धागा लगाएंगे और फिर हम सुई के पास इस जगह पर धागे को लगाएंगे और फिर हम फाइनल सुई में धागा डाल देंगे। और फिर हम इस बटन की मदद से धागे को ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने धागा निकाल लिया है। अब हम कपड़े पर चलाकर देखते हैं। हमने पीले कलर का कपड़ा लिया है जिससे कि आपको बराबर सिलाई दिखे। तो देखिए
ये जो सिलाई है परफेक्ट सिलाई दे रहा है, नीचे से भी एकदम बढ़िया सिलाई दे रहा है। और चला के देखते हैं हम, अच्छी सिलाई दे रहा है और काफ़ी अच्छी सिलाई आ रही है इसके, एकदम मजबूत और सुंदर सिलाई आ रही है। अब हम थोड़ा सा ओवर करते हैं मशीन के साथ, जो नहीं करना चाहिए पर थोड़ा सा हम ओवर करेंगे। टूट गया। तो दोस्तों इस तरीके से इसने सिलाई तो अच्छी करी है, मगर बढ़िया तरीके से खींच खींच के कर दी है इसने सिलाई, पन थोड़ा सा हमने इसके साथ ओवर किया था तो इस तरीके से ऐसा हो गया, मगर मशीन काफ़ी अच्छी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिलाई मशीन वाले को सब्सक्राइब करें।